हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। बीएससी सेकंड ईयर स्टैटिस्टिकल एंड बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करते हैं। बीएससी सेकंड ईयर में ये पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक तो हमने स्टैट की कुछ टर्म्स को पढ़ा था ताकि अब आगे जब वो वर्ड्स आए तो हमें उनका मतलब पता हो और हमें टॉपिक को समझने में ईजी हो। कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल नैरोइंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसका हिंदी में होता है कणों की संख्या बढ़ने पर प्रायिकता वितरण के मान में कमी होना, नैरोइंग द पार्टिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नैरोइंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन by increasing the number of particles। तो ये टॉपिक जो है जितने भी मैं करवाऊंगी वो डायरेक्ट रिजल्ट अब आपके एग्जाम में आते हैं, इन्हीं नामों से आते हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कणों की संख्या बढ़ने पर प्रायिकता वितरण के मान में कमी होना। ये कैसे होगी मैं आपको जब अपने एंड रिजल्ट करेंगे तो आपको प्रूफ करवाऊंगी। हिंदी में बोलते हैं कणों की संख्या बढ़ने पर प्रायिकता वितरण के मान में कमी होना। इंग्लिश में टॉपिक आएगा नैरोइंग द पार्टिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। जो कल किया था उसको एक बार वापस से करते हैं कि मैंने क्या माना था कि मेरे पास 2n कोई टोटल पार्टिकल्स है, ठीक है। मुझे उन्हें क्या करना है, कोई दो बॉक्स में डिवाइड करना है, एक है ए और एक है बी। अब मेरे पास एमपीएस क्या आता है, मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट, कि मैं दोनों बॉक्स में आधे आधे पार्टिकल डालूं। जब मेरे पास n थे तो मैंने एमपीएस क्या निकाली थी, n बाय 2 डाल के और n बाय 2 डाल के। अब मैंने पार्टिकल्स यहाँ से लिए कि अपॉन वाला झंझट खत्म हो जाए, इसलिए मैंने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2n लिए, ठीक है। अब एमपीएस स्टेट क्या बनती है, मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट की दोनों बॉक्स में आधे आधे पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर दोनों में आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट करो तो मैंने मान लिया मैंने ए में आधे डाले, बी में आधे डाले, ठीक है। आधे आधे कितने होते हैं, 2n का हाफ कितना होता है n, तो मैंने ए बॉक्स में हाफ पार्टिकल दैट इज n डाले, बी बॉक्स में हाफ पार्टिकल रिमेनिंग हाफ n डाल दिए, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरी मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट हुई, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, पी एन कोमा एन, कि पहले बॉक्स में n दूसरे में n। प्रोबेबिलिटी को शो करने का तरीका जो मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फैक्टोरियल अपॉन में जितने डालने हैं, n फैक्टोरियल। यहाँ पे n इनटू n कैसे आया, ऐसे होगा 2n c, सॉरी n c r यानी कि n, तो यहाँ से क्या आएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस n। तो 2n माइनस n करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, n ही बनता है। तो अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट n इंटू n लिख दिया, इंटू टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल फेवरेबल रिजल्ट्स वो क्या आएंगे, मैंने आप बताया था 1 की पावर 2n हो जाएंगे, टोटल हमेशा 1 की पावर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पी एन को मैं n बने एमपीएस दैट इज मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट। अब मुझे क्या करना है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल शो करना है, जिससे हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कमी है। मुझे टॉपिक का नाम ही यही है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कमी आना। मुझे एमपीएस पता है कि ये कंडीशन बनती है, अब मुझे क्या करना है, पार्टिकल्स को इंक्रीज करना है। तो मैं मान लेती हूँ कि एस पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड, अब देखो मैंने ये क्यों किया, क्योंकि टॉपिक के नाम के अकॉर्डिंग कि मुझे पार्टिकल्स को इंक्रीज करना है। अगर मुझे पार्टिकल को किसी एक बॉक्स में इंक्रीज करना है तो नॉर्मल सी बात है कि एक में इंक्रीज होंगे तो दूसरे बॉक्स में डिक्रीज भी होंगे ना। तो मैंने एस पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट शो कर दिया कि एस पार्टिकल्स मैंने किसी एक बॉक्स से निकाल के दूसरे बॉक्स में डाले, तो जो टॉपिक का नाम था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज करना है, तो पार्टिकल्स के नंबर इंक्रीज हुए किसी एक बॉक्स में, वो n से n प्लस s में गए। तो मैं प्रोबेबिलिटी कैसे शो कर दूं, p n माइनस s कोमा n प्लस s कर दिया, ठीक है।
कि मैंने मान लिया कि मैं जो ए बॉक्स था उसमें से कोई एस पार्टिकल निकाले और बी बॉक्स में डाल दिए, तो यहाँ पे पार्टिकल कितने बचे, एन माइनस एस जितने निकाल दिए, यहाँ पे कितने आगे एन प्लस एस जितने यहाँ से निकाले इसके अंदर डाले थे, तो है ना। तो टॉपिक का नाम सेटिस्फाई हो कि बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल मुझे देखना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मान में कमी आती है या नहीं, इसको मैं दे रही हूँ इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, टॉपिक के नाम के अकॉर्डिंग मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में इंक्रीज कर दिया इज इक्वल्स टू, तो जैसा वहां पे था सेम वैसा ही यहाँ पे बन जाएगा, जहाँ पे n था वहां पे n माइनस एस आ जाएगा, जहाँ पे n था वहां एक जगह पे n प्लस एस फैक्टोरियल आ जाएगा। टोटल आउटकम्स तो 2 की पावर 2n ही रहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो टोटल हमारे पास 2 की पावर n ही रहेंगे ना, इन दोनों को जोड़ लेना तब भी 2n ही आएंगे ना, तो इसको दे लो इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो मैंने इंक्रीज कर दिए, अब देखना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मान में कमी आती है या नहीं आती। ठीक है, और ये ग्राफ जो होते हैं वो नैरो हो जाते हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू में भी कमी आती है, वो कैसे आती है आप एंड में देखोगे। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देती हूँ, मैं क्या करती हूँ इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1, तो मुझे पता है पी इक्वेशन 2 क्या थी, एन माइनस एस कोमा एन प्लस एस है अपॉन पी एन कोमा एन, यही चीज है, और पी एन माइनस एस कितनी है 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस एस फैक्टोरियल n प्लस एस फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 2n, ये तो होगा इसकी वैल्यू n माइनस एस कोमा n प्लस एस की वैल्यू जो मैंने क्या लिखी है इक्वेशन नंबर 2 से, और देखो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 2n, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया था यहाँ पे n फैक्टोरियल का स्क्वायर बना था, यहाँ पे बना था n माइनस एस फैक्टोरियल और n प्लस एस फैक्टोरियल, इसको मैंने कुछ r माना था यहाँ जी, ये जो r है यही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रही है। ठीक है, ये R मैंने माना था कि इन दोनों की वैल्यू को मैंने R माना, उसके बाद मैंने आपको इस R का लॉग लेके दिखाया था, लॉग R इज इक्वल्स टू किया था हमने, जैसे भी वो बनना था 2 लॉग n फैक्टोरियल माइनस लॉग n माइनस s फैक्टोरियल माइनस लॉग n प्लस s फैक्टोरियल, फिर मैंने आपको एक स्टर्लिन का फॉर्मूला बताया था, स्टर्लिन के दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, एक तो था लॉग n फैक्टोरियल कितना होता है n log n माइनस n के इक्वल होता है, और दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था log 1 प्लस माइनस x इसके इक्वल होता है प्लस माइनस x के, ये किसका फॉर्मूला था, स्टर्लिंग का फॉर्मूला, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, स्टर्लिंग के फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले आपके पता नहीं इस चैट में कितनी जगह पे आप यूज करोगे, इस फॉर्मूले को तो आप मैक्सिमम बार यूज करोगे, log x फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n log n माइनस n और log 1 प्लस माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस x के इक्वल है, तो ये फॉर्मूलाज आप याद रखो। तो ये मैंने आपको ये काम कल करवाया था, उसके बाद मैंने n फैक्टोरियल की वैल्यू भी रखवाई थी, n माइनस s फैक्टोरियल की वैल्यू भी लिखी थी और इसकी भी लिख दी थी, तो जो मैंने कल लास्ट जहाँ पे छोड़ा था आज हम वहीं से शुरू करते हैं। तो log r इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आया था 2, जो भी आया मैं उसकी वैल्यू एक बार आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, जो हमने कल सॉल्व की थी वैल्यूज, तो कल सॉल्व करने पे मेरे पास बना था 2n log n माइनस n माइनस s log n माइनस s माइनस n प्लस s log n प्लस s। कल वाला अगर आपने किया हो ये लेक्चर आपने देखा तो आपको पता होगा कल आपके पास यही तीन टर्म्स रहेंगे, है ना, तो मेरे पास ये टर्म रह गई और मुझे क्या बताना है, मैंने स्टर्लिंग का एक फॉर्मूला तो यूज कर लिया, log n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n log n माइनस n, मुझे दूसरा यूज करना है log 1 प्लस माइनस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x के इक्वल आता है, यानी log 1 प्लस x हो इज इक्वल टू प्लस x के इक्वल आएगा, log 1 माइनस x हो तो वो माइनस x के इक्वल आ जाएगा, तो मैं यहां पे ये चीज बना सकती हूं। देखो ये चीज मैंने कैसे लिखी है, तो कल मैंने आपको ये r तक करवाया था, उसके बाद मैंने ये 2 की 2 आगे आ गया लॉग लेने के बाद, n फैक्टोरियल इन सब की वैल्यूज रखाई, जहाँ पे मेरे पास बना था एक जगह पे 2n, यहाँ पे बना था माइनस n माइनस n माइनस s प्लस s, तो ये टर्म्स आपस में कैंसल आउट हो गई थी, तो ये आपने कल किया हुआ, मैं कल वाले लेक्चर से ही आज कंटिन्यू करवा रही, मैंने ये स्टार्टिंग में इसलिए बताया था ताकि आपको टॉपिक से थोड़ी कनेक्शन बन सके। ठीक है, तो कल जहाँ पे छोड़ा था वो मैंने लाइन डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी, लॉग r
इज इक्वल्स टू 2n log n माइनस n माइनस s. मैं इसको ऐसे लिख दूं, log n कॉमन ले लेती हूँ, n यहां से, n या ऐसे करते हैं डॉट log n ब्रैकेट 1 माइनस s ओवर n रह जाएगा. अगर मैं यहां से इस n को कॉमन ले लूं इस टर्म में, ये वाली जो टर्म है log n माइनस s, उसमें से मैंने क्या किया, एक n को कॉमन ले लिया. जब मैं n को कॉमन लूंगी तो मुझे पता है n log 1, n की जगह यहाँ पे 1 रह जाएगा, s अपॉन n बच जाएगा. तो वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया माइनस n प्लस s log, फिर से यहाँ पे फिर से मैं n को कॉमन ले रही हूँ, 1 प्लस s अपॉन n. देखो मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज सॉल्व करके पता चल रही है कि फॉर्मूला से log 1 प्लस माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस x होते हो. इसको इक्वेशन को और आगे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ से तो पता नहीं चल रहा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नैरो हो रहा है या नहीं. तो मुझे उस चीज को शो करने के लिए मैं इसको और आगे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है. तो मैंने ये वैल्यू रखी इसके अंदर, जब मैंने ये वैल्यू रखी तो मेरे को पता है log u इंटू v जैसा कुछ बन रहा है, log u इंटू log u v बना, तो वो क्या आता है log u प्लस log v के इक्वल आता है ना. तो मैं वही चीज यहाँ पे यूज करूंगी, यहाँ पे और एक यहाँ पे. जब मैं इन दोनों जगह पे उसको यूज करूंगी तो कैसे वो लगेगा अपने देखते हैं. log r r इज इक्वल्स टू 2n log n माइनस n माइनस s log n प्लस log 1 माइनस s अपॉन n. बन गया ना log u इंटू v इज इक्वल्स टू log u प्लस log v. यही चीज बची माइनस. इस चीज को मैं एक बार रब कर रही हूँ, आपको ये सब चीजें बेसिक आपको पता होगी जो भी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ. n प्लस s log n प्लस u इंटू v 1 प्लस s अपॉन n. जब मैंने ये चीज बनाई, अब देखो मेरे पास log r, मुझे पता है log 1 प्लस x या log 1 माइनस x जो मैंने यूज किया है. log 1 प्लस माइनस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x के इक्वल आता है, जो मैंने आपको कल बताया था स्टर्लिंग फॉर्मूला से. यानी कि अगर log 1 माइनस x हो तो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस x के. अगर log 1 प्लस x हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस x के. तो मेरे पास ऐसी टर्म यहाँ पे बन रही है, कहाँ पे, इस जगह पे. यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा ही बन रहा है, log 1 प्लस x जैसा बन रहा है, log 1 माइनस x जैसा कुछ बन रहा है. अगर मेरे पास ये चीज बन रही है तो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, 2n log n माइनस n माइनस s log n प्लस की जगह अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस s अपॉन n. इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखी, log 1 माइनस s अपॉन n की वैल्यू s अपॉन n आ जाएगी माइनस में, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाया उसके अकॉर्डिंग, माइनस n माइनस सॉरी n प्लस x log n प्लस s अपॉन n आ जाएगा. तो ये चीज बनी. अब मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई को खोल देते हैं. यहां से बनेगा 2n log n माइनस n का मल्टीप्लाई इससे और s का इससे. n का जब करूंगी तो n log n माइनस इंटू माइनस s प्लस s log n माइनस. जब मैं इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी, n से n कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर एक माइनस पड़ा और अंदर एक माइनस है, माइनस इंटू माइनस s प्लस. तो यहां से क्या बचेगा, सिर्फ s बचेगा. और यहाँ पे देखो बाहर एक माइनस, माइनस का s जो मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस ये जगह तो प्लस होगी, लेकिन माइनस के s से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से माइनस बचेगा s स्क्वायर अपॉन n. ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी ये मैंने क्या किया है. देखो मैंने क्या किया, इस माइनस माइनस इंटू माइनस इज प्लस. अब ये माइनस का s जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये माइनस साइन आ गया, माइनस n log n माइनस s log n. यहाँ पे क्या बचा, n का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का s आ जाएगा, ये भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस का साइन पड़ा है, माइनस s. और इसका जब प्लस का s का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से माइनस, क्योंकि बाहर एक माइनस का साइन पड़ा है. अब जो चीजें कैंसिल आउट होती है वो कैंसिल आउट कर दो. तो यहां से मुझे देख के पता चल रहा है
कि क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है। एक तो ये प्लस का एस लोग है और यहाँ पे क्या बना है माइनस का एस लोग है, यहाँ पे बना प्लस का एस, यहाँ पे बना माइनस का एस, तो ये चीज भी कैंसिल हुई। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे पड़ा टू एन लोग है, यहाँ पे बना एक एन लोग है और एक माइनस का एन लोग है यहाँ पे पड़ा। तो जब इन दोनों को जोड़ूंगी तो माइनस का टू एन लोग एन बनेगा, तो ये वाले दोनों टर्म आपस में इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो मेरे पास लोग आर की सिर्फ दो वैल्यूज बची, क्या बची, log r is equals to minus s square upon n और एक और minus s square upon n, ये चीज बची। देखो इस इक्वेशन में देखो एक ये चीज बचा minus s square upon n और एक ये बचा, मैंने वो दोनों चीजें यहाँ पे लिख दी। जब मैं इसको और सॉल्व करूँ तो minus 2s square upon n बनेगा, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ log r is equals to, देखो वैसे तो यहाँ तक छोड़ो तो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जब आपके फाइव ईयर में आप क्वेश्चन देखोगे जो आता है तो वो इस तरीके से आता है। देखो मैं आपको बता रही हूँ कैसे आता है, वहां पे कुछ f आता है जहाँ पे आपके स्पेशली मेंशनड होता है, वैल्यू फिक्स होती है। तो देखो जब आपके फाइव ईयर में आएगा तो वो f की वैल्यू साइड में आपको लिख के दिया होता है, f is equals to s upon n होता है, ठीक है। तो ये फाइव ईयर में आपके इस तरीके से नहीं आता, ये f की फॉर्म में आता है जब आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो मैं वैसे ही करवा रही हूँ आपको, माइनस टू एस स्क्वायर अपॉन एन इंटू, मैं एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि मुझे पता है f is equal to s by n। जब आपके पास अगर फाइव ईयर हो आप खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, और जहाँ पे f लिखा हुआ आया हुआ तो वहां पे f is equal to s by n भी साइड में लिख के दिया हुआ आपको। तो उससे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू एस स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन, यही चीज बनेगी। तो यहाँ से देखो log r की वैल्यू क्या है, मैंने क्या किया सिर्फ n by n का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, माइनस टू f स्क्वायर लिख सकती हूँ बिकॉज वी नो दैट f इज इक्वल टू s by n इंटू n। तो यहाँ से मैं r निकालू, r यानी कि मुझे एंटी log लेना पड़ेगा, ठीक है, बाय टेकिंग एंटी log। तो जब मैं एंटी log लूंगी तो r बनेगा e की पावर माइनस टू एफ स्क्वायर अपॉन एन है। तो ये आपके पेपर में आता है क्वेश्चन, इसी तरीके से आता है कि प्रूफ दैट आर इज इक्वल टू माइनस टू एफ स्क्वायर अपॉन एन, या तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा या जो टॉपिक का नाम है नैरोइंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो यह ऐसे आता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, आर की जो वैल्यू है एन बढ़ने से, यहाँ पे एन आ रहा है ना, एन बढ़ने से एक्सपोनेंशियली आर डिक्रीज हो रहा है, जहाँ आर क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी के रेशियो को मैंने क्या माना था, आर माना था। और वैसे अगर ग्राफ बनाते हैं ना एक्स और एन में तो वो ग्राफ ऐसे बनते हैं, अलग अलग वैल्यूज पे वो अलग अलग वैल्यूज देते हैं, जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है ना वैसे वैसे ये जो विड्थ है वो हर बार डिक्रीज होती जाती है। ये एन होता है और यहाँ पे एफ होता है, और f की वैल्यू क्या आती है s by n की इक्वल होती है, ये r होता है सॉरी r, जैसे जैसे n इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये जो ग्राफ की विड्थ होनी है वो हर बार डिक्रीज होना शुरू करती है, जो कि ये प्रैक्टिकल ये जो इसका नाम इस ग्राफ से आया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो r है वो n की वैल्यू इंक्रीज होने पर नैरो होता है, क्योंकि इस कर्व की विड्थ जो है वो नैरो होनी शुरू होती है। यहाँ पे n की वैल्यू मैक्सिमम होगी कुछ, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे थोड़ी ज्यादा और यहाँ पे उससे और भी ज्यादा। तो अगर कैलकुलेशन से देखें तो r की वैल्यू जो है n इंक्रीज होने से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, तो जो टॉपिक का नाम था वो यहाँ से क्लियर होता है। देखो जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसे किया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करने थे तो हमने इंक्रीज कर दिए, एक से निकाले दूसरे में डाल दिए, किसी दूसरे बॉक्स में नंबर ऑफ पार्टिकल s बढ़ा दिया, मुझे देखना था कि r घटता है या नहीं, तो वो देखने के लिए हमने r को और सॉल्व किया। यहाँ पे मैंने r माना, ये r ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, इन दोनों के रेशियो को मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन माना। तो जब इसको और सॉल्व करने के लिए अपने को स्टर्लिंग के फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, तो जैसे जैसे उसको सॉल्व किया तो वहां से फाइनल रिजल्ट बन के ये आता है, पेपर में ये भी आता है r इज इक्वल टू e की पावर माइनस टू एफ स्क्वायर अपॉन n, प्रूफ करो, जहां f इज इक्वल टू s बाय n लिखा हुआ आएगा आपके पास एग्जाम में, या तो इस तरीके से टॉपिक आता है या जो नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उस तरीके से आएगा, ठीक है। मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ, कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल, ये एक नया ही पॉइंट है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या संरक्षित रहती है, ये देखो कैसे होती है। जब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ये एक अलग टॉपिक है, वो जो टर्म्स मैं आपको बता रही थी उसमें ये छूट गया था, तो करके मैं आपको बता रही हूँ ये, ठीक है।
तो देखो ये क्या, मान लिया कि अपने पास एक बड़ा सिस्टम है एंड अब मैंने क्या करना है, इस सिस्टम को कंपार्टमेंट्स में या सेल में डिवाइड आउट करना है। तो जब मुझे इसे सेल में डिवाइड करना है तो अपने कैसे कर सकते हैं, तो अपने को पता है देखो कैसे होता है कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल करना है। मुझे क्या पता है मेरे पास एक बड़ा सिस्टम है, मैंने उसको सेल्स में डिवाइड आउट कर दिया। ठीक है, जब मैंने इसे सेल में डिवाइड किया तो मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पहली सेल में कोई N1 जाएंगे, फिर कोई N2 जाएंगे, फिर कोई N3 जाएंगे, कहीं पे N4 हो जाएंगे, सो ऑन करके NN तक मान लिया पार्टिकल जाएंगे। लेकिन टोटल जितने पार्टिकल हमारे पास इस बड़े सिस्टम में थे उसको कंपार्टमेंट या सेल में या कोशिकाओं में बांटने के बाद भी उतने पार्टिकल टोटल रहेंगे, क्योंकि अपने को पता है कैपिटल N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 सो ऑन N4 NN के इक्वल आता है ना ऐड के। तो यहाँ से जब मैं डेल्टा N निकालूं मतलब चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल तो वो कितना आएगा, ये तो कांस्टेंट आएगा। देखो कैसे, देखो मैंने एक बड़ा सिस्टम लिया, बड़े सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल N है, चाहे कितने भी हो लेकिन जो नंबर होते हैं वो तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहते हैं। 100 पार्टिकल डाले तो 100 तो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। अब मैंने इसको क्या किया, सेल में डिवाइड कर लिया, मैंने क्या माना कि 1 2 3 सो ऑन करके कुछ N सेल्स बनाई है मैंने। ठीक है, और हर एक सेल में मैंने मान लिया फर्स्ट सेल के अंदर N1 पार्टिकल गए, सेकंड सेल में N2 पार्टिकल गए, थर्ड में N3 गए, सो ऑन करके मैंने Nth सेल में N पार्टिकल डाले। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस इनिशियल जितने भी उस बड़े सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स उसके इक्वली आएंगे, तो डेल्टा N इज इक्वल टू दिस जो कि कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आएगी। अब मैं डेल्टा N करूँ तो डेल्टा N1 प्लस डेल्टा N2 प्लस डेल्टा N3 प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा NN इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो ही होता है, एक तरीके से डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है। तो यहां से पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एक सिस्टम में हमेशा कंजर्व रहते हैं, चाहे उसे कितनी भी सेल्स में क्यों ना डिवाइड कर दिया जाए। अब इसको कितनी सारी सेल में मैंने बांटा लेकिन जितने नंबर ऑफ पार्टिकल रहे वो कॉन्स्टेंट रहे या कंजर्व रहे। ठीक है, ये इतना ज्यादा आता नहीं होता लेकिन फिर भी आप कर लो क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण। अब देखो अपने को पता है कि एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं, ठीक है, अपने को ये देखना है। अब मुझे पता है कि एनर्जी कैसे आएगी, अब इसमें ये जो N1 पार्टिकल्स है इनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन तो होगा एनर्जी में, इस सेल की टोटल एनर्जी निकालने में। कैसे, ये N1 पार्टिकल मान लिया यहाँ पे 5 पार्टिकल है, ये 5 पार्टिकल आपस में टकराएंगे तो एनर्जी की वैल्यू कुछ ना कुछ बदलेगी भी, घटेगी भी, हो सकता बढ़ जाए अगर ये वॉल्स पर डिपेंड करते हैं। ये कैसी है, जैसे मैंने आपको कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल और माइक्रो कैनोनिकल में करवाया था। तो मतलब एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर भी कर रही है, और जितनी एनर्जी सिस्टम की पहले थी उस पर डिपेंड कर रही है। मतलब एनर्जी किसके इक्वल है, N1 E1, पहली कंपार्टमेंट की एनर्जी N1 × E1। क्यों, क्योंकि N1 पार्टिकल्स भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस सेल की एनर्जी में, कैसे आपस में टकरा रहे हैं, टकराने में हो सकता है ऊर्जा बढ़ जाए, हो सकता है ऊर्जा घट जाए। N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस सो ऑन प्लस NN E N की इक्वल आएगी, है ना। लेकिन अपने को पता सिस्टम की जितनी एनर्जी थी वो एज एट दी एंड कॉन्स्टेंट ही रहेगी। कैसे, क्योंकि हर एक पार्टिकल का कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, किसी के कारण एनर्जी बढ़ेगी किसी के कारण घटेगी। तो यहाँ से पता चलता है टोटल एनर्जी डेल्टा ई जो होता है वो भी हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, क्योंकि डेल्टा ई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो आता है, सॉरी इक्वल टू जीरो आता है, जो शो करता है चेंज इन एनर्जी क्या है, जीरो के इक्वल नहीं आती। यहाँ से पता चलता है एनर्जी भी कंजर्व रहती है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कंजर्व रहते हैं इसको सेल में डिवाइड करने पर। ये पेपर में आता नहीं है लेकिन मेंशन था इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अगला टॉपिक करते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट को फाइंड आउट करना। देखो ये भी मेरे हिसाब से पेपर में इतनी ज्यादा बार आया नहीं हुआ है लेकिन इस टॉपिक के जो रिजल्ट है वो हम यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ डेंसिटी ऑफ स्टेट, क्योंकि डेंसिटी ऑफ स्टेट को मैं काफी टॉपिक आएंगे जब मैं उसको आगे यूज करूंगी। ठीक है, तो जो मैं इस टॉपिक को यूज करके टॉपिक करवाऊंगी ना वो पेपर में आते हैं। ये तो मैं आपको एक बार बता रही हूँ कि आपको वहां पे लगे ना कि ये कैसे करवा दिया। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट या नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रोस्टेट इन अ मैक्रो स्टेट
गिवन एनर्जी रेंज ई एंड ई प्लस डी ई. देखो ये जो टॉपिक है ना डेंसिटी ऑफ स्टेट इसको बोलते हैं अवस्था घनत्व. और इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा परास ई व ई प्लस डी ई के बीच एक सूक्ष्म स्थूल अवस्था के संगत अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कितनी होती है ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, एक स्थूल अवस्था के संगत कितनी मैक्सिमम असेसिबल माइक्रोस्टेट्स हो सकते हैं उसको फाइंड आउट करना है. ये टॉपिक पेपर में मेरे हिसाब से तो नहीं आया हुआ, लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो हम कई बार यूज करते हैं तो वहां पे आपको लगेगा कि ये एक तरीके से क्रैमिंग का काम चल रहा है. तो उस चीज से बचने के लिए मैं आपको यहाँ पे ये टॉपिक करवा रही हूँ. बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है. डेंसिटी ऑफ स्टेट फाइंड आउट करना भी आ सकता है और डेंसिटी ऑफ स्टेट का जो फॉर्मूला आएगा वो हम कई जगह पे यूज करेंगे. एकदम इजी सी चीज है. और इसको हिंदी में क्या बोलते हो सकता है इस नाम से ये पेपर में आया हो कि ई व ई प्लस डी ई ऊर्जा परास के अंदर एक स्थूल अवस्था के संगत अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, या सीधा लिखा आ सकता है डेंसिटी ऑफ स्टेट को फाइंड आउट करो. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या हो सकता है वो जो भी है मैं आपको भी बताती हूँ. अपने मान लेते हैं अपने अभी तक क्या कर रहे हैं मैंने बताया था स्टार्ट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स करेंगे अपने. ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई 3D बॉक्स है. ठीक है, या मान लो एक क्यूब ही है, ये एक क्यूब है. ठीक है, मुझे क्या मानना है कि इस क्यूब के अंदर पार्टिकल है. मैंने यह कह रही हूँ कि जब पार्टिकल स्टार्ट पढ़ेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे. तो मैंने मान लिया कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर क्या है कुछ ना कुछ पार्टिकल्स पड़े हैं. ठीक है, अब कणों को वितरित किया मतलब मैक्रोस्टेट के संगत कुछ ना कुछ माइक्रोस्टेट्स होंगी. कैसे होंगी, मैं वो एग्जांपल ले रही थी ए बी दो बॉक्स थे उसके अंदर ए बी सी डी और जीरो पार्टिकल डाले. एक मैक्रोस्टेट थी 4.0 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट्स निकाल रहे थे, है ना. इसकी तो एक आई थी और जब 3.1 का कर रहे थे यहाँ पे आया ए बी सी यहाँ पे आया डी ए बी डी यानी कि 4 माइक्रोस्टेट्स आई. तो जब मैं पार्टिकल किसी बॉक्स के अंदर पार्टिकल डालूंगी तो मतलब किसी एक मैक्रोस्टेट के कोरिस्पोंडिंग कुछ ना कुछ माइक्रोस्टेट्स भी आएंगे. इसीलिए मैंने बॉक्स लिया जिसके अंदर मैंने क्या किया कुछ पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने. ये एग्जांपल आप याद रखना, इस एग्जांपल से आपको हमेशा पता चलता रहेगा कि मैक्रोस्टेट के कोरिस्पोंडिंग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे आती है. तो इस एग्जांपल से आपको पता चलता रहेगा. ठीक है, तो इसीलिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे बताया. अब मैंने मान लिया कि मेरे पास एक बॉक्स है. बॉक्स भी कैसे अपने मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्यूब है. ठीक है, मैंने माना मेरे पास एक क्यूब है घन है और इस क्यूब की जो साइड है वो एल है. ठीक है, क्यूब की सारी साइड की लेंथ एक जैसी होती है. मेरे से तो एक जैसी नहीं बनी लेकिन एक जैसी होती है. ठीक है, घन की सारी भुजाएं कैसी है एल है. मैंने मान लिया हर एक भुजा की लंबाई एल है. ठीक है, अब इस क्यूब में मेरे पास क्या है कोई ना कोई पार्टिकल. अगर मेरे पास कोई पार्टिकल्स डाले हैं तो मुझे पता है मैक्रोस्टेट के कोरिस्पोंडिंग कोई ना कोई माइक्रोस्टेट्स आएगी. कैसे आएगी, मैंने अभी एग्जांपल से बताया कि दो बॉक्स लिए थे ए बी, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल डालेंगे उस हिसाब से हमारे पास माइक्रोस्टेट्स आएंगे, है ना. तो मैंने मान लिया कि एनर्जी रेंज ई एंड ई प्लस डी ई के अंदर जो मेरे पास असेसिबल माइक्रोस्टेट्स है. देखो हिंदी में इन वर्ड्स को बोलना बहुत मुश्किल है इसीलिए आप भी इंग्लिश की हैबिट डाल लो. अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं है, मैंने मान लिया कि वो कुछ फाइव ई है. ठीक है, क्योंकि एनर्जी रेंज की बात कर रहे हैं इसीलिए एनर्जी रेंज में मैंने मान लिया कि वो फाइव ई है. अब देखो अगर असेसिबल माइक्रोस्टेट्स इतनी है फाइव ई और मैंने मान लिया कि ये क्यूब है तो मुझे पता है मैंने जब पार्टिकल इन 3-डायमेंशनल बॉक्स करवाया था उसके अंदर एनर्जी हमने फाइंड आउट की थी वो कितनी आई थी एच का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर एन 1 स्क्वायर प्लस एन 2 स्क्वायर प्लस एन 3 स्क्वायर, जहां एन 1 एन 2 और एन 3 की वैल्यूज अलग अलग आई थी. ये पार्टिकल इन 3D बॉक्स का डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्मूला मैंने उठाया है और ये हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. तो आपको ये जो रिजल्ट्स हैं आपको हर हालत में याद होने चाहिए. पार्टिकल इन 3D बॉक्स मैंने 3 क्लासेस ली थी जो कि ये शायद दिवाली से पहले की क्लासेस हैं. उस बुक उन क्लासेस में मैंने सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की क्लास एक साथ ली थी तो वहां से मैंने सीधा रिजल्ट उठाया है. ठीक है,
पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। जब मैंने 3D बॉक्स करवाया था ना, वहाँ पे मैंने ए स्क्वायर लिया था क्यूब के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे लेंथ ए बी सी मानी थी 3D स्ट्रक्चर की बॉक्स की। यहाँ पे मैंने लेंथ एल मानी, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी से ही एल लिख दिया। और मुझे पता है एच कट क्या होता है, एच अपॉन 2π के इक्वल होता है। जब मैं इसको एच की फॉर्म में लिखूंगी तो एनर्जी आ जाएगी एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर के इक्वल आएगी, इंटू n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। ठीक है, यही चीज बनेगी। ये चीज आप एच कट की वैल्यू लिख के देखना। ये पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स और ये टॉपिक मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की क्लास एक साथ ली थी, इसीलिए मैंने ये तीन टॉपिक थोड़ा पहले करवा दिए थे। तो अब ये पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स से मेरे पास एनर्जी है, मैंने 3D बॉक्स लिया था, मैंने असेसिबल माइक्रोस्टेट्स मान ली कि पाई ही है। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होता है, अवस्था घनत्व। ये टॉपिक आने के चांसेस कम है, लेकिन ये टॉपिक यूज बहुत जगह पे हुआ हुआ है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इसको डिराइव करवा रही हूँ। डेंसिटी ऑफ स्टेट होती है d φe/dE, मतलब पर यूनिट एनर्जी पर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवस्था घनत्व। अवस्था घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक ऊर्जा पर सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या या अधिक अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के रेशियो को डेंसिटी ऑफ स्टेट बोलते हैं। इसको कोई इक्वेशन नंबर दे लो, आप 1 दे लो, ठीक है, और इसको मैं दे लेती हूँ 2, जहां पे मैंने इसकी एनर्जी निकाल ली। अब इक्वेशन नंबर 2 को एक बार मैं वापस से लिख रही हूँ। मैंने क्या लिखी, एनर्जी e=h²/8mL², जहां एल क्या है, साइड की लेंथ है, क्यूब में हर एक साइड हर एक भुजा की लेंथ है। यहाँ पे n1² + n2² + n3² इसको मैं दे रही थी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे पता है इक्वेशन, यहाँ पे देखो इस चीज को, मुझे एक चीज यहां से कुछ समझ आ रहा है कि मुझे पता है कि अगर कोई स्फीयर हो, यानी कि गोला जिसकी रेडियस कितनी हो, एन हो, अगर कोई स्फीयर हो इस वॉल्यूम के अंदर, जो मैंने बॉक्स माना है 3D यानी कि क्यूब माना है, उस क्यूब के अंदर अगर कोई स्फेरिकल स्ट्रक्चर है या एक स्फीयर है जिसकी रेडियस n है, तो मुझे पता है n² = n1² + n2² + n3² के इक्वल आता है। कैसे, कि अगर किसी स्फीयर की रेडियस आपने ये बड़ी होगी r² है, तो वो x² + y² + z² के इक्वल आते हैं। ये स्फीयर की एक इक्वेशन है, आई थिंक फर्स्ट ईयर में कॉनिक सेक्शन वाली बुक लगती है, वहां पे आती है ये। तो यहाँ से मैंने ये स्फीयर की इक्वेशन, अगर कोई स्फीयर जिसकी रेडियस n हो, तो मुझे पता है स्फीयर की इक्वेशन क्या बनेगी, n1² + n2² + n3² के इक्वल आएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और 3 अगर मैं लू 2 और 3 से, तो मुझे पता है एनर्जी क्या बन जाएगी, e = h² / फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3, समीकरण 2 और 3 से, 8ml² इंटू, यहाँ पे क्या लिख दू, सीधा एन स्क्वायर लिख दूंगी। तो अब मैं यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, n² = 8ml² × h² × e, यही बनेगा ना, यही बनेगा। ठीक है, तो ये बना। अब यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 × 2ml² / h² × e। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं तो यहाँ पे बनेगा 2l × 2me। अगर मैं यहां से n निकालूं, इसका रूट कर दूंगी अपॉन h, यही चीज बनेगी 2l × 2me/2me की पावर 1/2 × h बनेगा। अगर ये n की वैल्यू है, इसको मैं एक बार और ऐसे लिख सकती हूँ 2l/h√2me। इसको मैं कोई इक्वेशन नंबर दे लेती हूँ जो नहीं दी हुई है यहाँ पे, यानी कि 4। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे ली। अब मुझे क्या देखना है, मुझे क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ स्टेट, जो मैंने टॉपिक का नाम लिखा है, जिसको मैंने क्या माना है यहाँ पे जी, इसको जीई से शो करते हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट को जीई से शो करते हैं, मैं यहाँ पे बताना आपको भूल गई हूँ, GE = ठीक है d φ/dE। अब मुझे पता है कि जो पार्टिकल है वो इस क्यूब के अंदर है ना, यानी कि एक मैक्रो स्टेट के कोरिस्पोंडिंग माइक्रो स्टेट्स भी इस क्यूब के वॉल्यूम के अंदर ही आएंगे, क्योंकि क्यूब के अंदर ही पार्टिकल है और नंबर ऑफ पार्टिकल जितने होते हैं उसी हिसाब से हमारे पास सूक्ष्म अवस्थाएं आती हैं। तो मैं निकालूं e + dE एनर्जी रेंज में
जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो क्या आएंगी, इसके वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगी, वॉल्यूम के साथ साथ 1/8 के इक्वल आएगी, क्योंकि जब हम माइक्रो स्टेट, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकालते हैं तो 3D स्ट्रक्चर के लिए 1/8 से मल्टीप्लाई होके हमें मिलती है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। ये चीज एक आपको छोटी सी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके फेसेस और इसकी XYZ सारी डायरेक्शंस को कंसीडर करके आता है। तो जब मैं E और E+DE ऊर्जा अंतराल में माइक्रो स्टेट निकालूंगी तो मैंने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितनी मानी है, जब मैंने यहाँ पे टॉपिक शुरू करवाया मैंने 5E मानी है, तो यानी कि 5E इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू 1/8 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो मैंने क्या माना है, इसके अंदर कोई स्फीयर है जिसकी इक्वेशन मैंने क्या मानी थी, n रेडियस का एक स्फीयर है। अगर n रेडियस का स्फीयर है तो मुझे पता है इस गोले की जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 πn³r³ की जगह पे इंटू 1/8। अब मैं इसको ले लेती हूँ समीकरण नंबर 5। अगर ये समीकरण नंबर 5 में n की मैं वैल्यू रखती हूँ तो जब n की वैल्यू रखेंगे तो φe कितना बनेगा, φe इज इक्वल टू 4/3 π इंटू 1/8 एन की क्यूब, यानी कि 2L/√2mE³³। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे पता है 4/3 π इंटू 1/8, यहाँ पे इसका क्यूब करूँ तो 8L³/h³, 8 to 8 कैंसल, इंटू 2mE³³ लिख सकते हैं, ये आ गया φe। अब टॉपिक का नाम क्या, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ स्टेट, वो कितना आता है GE, तो GE की वैल्यू क्या है, d φ/dE। तो मतलब मुझे क्या करना है, इसका एक बार विद रिस्पेक्ट टू E डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, या इसको कोई इक्वेशन दे लो 5। अब समीकरण 5 का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगी d φ/dE विद रिस्पेक्ट टू E, तो मुझे पता है 4/3 π इंटू L³³/h³, साथ साथ 2m³³ भी एक कॉन्स्टेंट आ गया, और करना किसके है, E³³, यहाँ पे लिख देती हूँ DE³² / DE। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4/3 π L³³/h³ इंटू 2m³³ E³³ कितने आएगा, 3/2 इंटू E³² 1/2। तो ये 3 से ये 3 कैंसल, यहाँ 2 से एक आएगा 2, तो यहाँ से 5 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सीधा मैं यहाँ पे GE लिख दूँ, GE इज इक्वल टू π/2πL³³/h³ इंटू 2m³³ E³² 1/2। 2³³ को करेंगे, इसको जब सॉल्व करने से जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2π L³। देखो L³ जो है, मैं ये L³ को मैं लेट कर रही हूं, L³ इज इक्वल टू वॉल्यूम, वो किसका आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब की साइड कितनी ली है L, अगर ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है तो यहां से यहां पे लिख रही हूं मैं GE की वैल्यू, तो GE की वैल्यू क्या आएगी, 2π V/h³ इंटू 2m³³ इंटू E³² 1/2। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट है, इस फॉर्मूला को हम कई जगह पे यूज करेंगे, इसका कोई खास ये डेरिवेशन आता नहीं एग्जाम में, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करना आता है, इसीलिए मैंने आपको फाइंड आउट करवाया है। 3D बॉक्स था तो मैंने 3D बॉक्स के लिए एनर्जी की इक्वेशन लिखी, जो मैं पहले ही फाइंड आउट कर चुकी है, फिर उस एनर्जी की इक्वेशन लिखने के बाद मुझे पता है ये कुछ स्फीयर की इक्वेशन जैसा बन रहा है, अगर ये स्फीयर की इक्वेशन वो भी कैसी, एन रेडियस की, तो मैंने उस एन की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, जब एन की वैल्यू निकाल ली तो एन की वैल्यू आई ये। अब मुझे पता है माइक्रो स्टेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब 3D बॉक्स होता है वॉल्यूम का 1/8 से मल्टीप्लाई कर लेते, और वॉल्यूम कितना आएगा क्यूब के, सॉरी स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल, गोले के आयतन के इक्वल आएगा, तो मैंने उस गोले का आयतन लिखा और n की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो रखी है। फिर मुझे पता है डेंसिटी ऑफ स्टेट g कितनी होती है पर यूनिट एनर्जी पे नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट मैंने वो वैल्यू यहाँ पे पुट किया और थोड़ा सा सॉल्व किया, यहाँ पे L³ V के इक्वल आया क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L³ होता है, तो उससे ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो यहाँ से जी की वैल्यू आई, इसको डेंसिटी ऑफ स्टेट बोलते हैं। टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद नहीं आ रहा है, लेकिन ये रिजल्ट को हम बहुत जगह पे यूज करते हैं, इसीलिए मैंने आपको डिराइव करवाया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।